भाई पुलिस वालों ने रोक दिया हमें यहाँ पे, यहाँ चालान कट गया एग्जॉस्ट की वजह से। हमारी बगीरा के पास इतनी भीड़, घर वाले भी गालियां देंगे, तुम खुद को गालियां दोगे, ये क्या लगा लिया। फाइनली अपनी जोन टेस्ट में एग्जॉस्ट लगा दिया और हमारी जोन टेस्ट इंडिया की फर्स्ट जोन टेस्ट है। हाँ सर, चलान होता है यहाँ। श्योर सर, सर सॉरी सर, सर गलती होगी सर अभी। ये भी आपके साथ ही है। ओहो क्या बात है, लिफ्ट खुलते सामने कांच। आहा आहा आहा, वाह वाह, सीने में हमारी लग गई आंच। क्या बात है, राइमिंग हो गई। ये आज के दिन का दूसरा ब्लॉग है भाई, लास्ट ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था मुझे पता है, तो यही से दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, हियर टू अनदर वेलकम टू YouTube चैनल BBR Vlogs। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो विशाल भाई? मैं मस्त, मां का संग। रेश भाई आप कैसे हो? बहुत मस्त, बहुत मस्त। ये कितना भी मस्त कह ले, इनके अंदर का दर्द मुझे पता है भाई, स्पेशली इसके। सबसे पहले काम करेंगे, यहाँ से हेलमेट पॉइंट जाएंगे, वहाँ से कुछ चीजें परचेज करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। आज हमारा हमारे फ्रेंड की फ्लैट पे रुकने का प्लान है भाई, क्योंकि ये लास्ट व्लॉग में आपको बताया था मैंने, यहाँ पे कुछ हॉस्टल्स में हमें जगह नहीं मिली, धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया हमें। ब्रो आई एम प्रो, ओके भगो यहाँ से, किसान को खोदना। और तो भाई आई डोंट नो अभी कैमरा कितनी देर चलने वाला है। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं पहले WDP, वहाँ पे बैठ के कुछ खाएंगे भाई, वहाँ पे GVD जाएंगे, वहाँ पे बैठ के कुछ खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे वहाँ से हम हेलमेट पॉइंट। हमारे विशाल भाई को थोड़े बहुत चीजें परचेज करनी है, वो क्या क्या परचेज करते हैं सब आपको बताएंगे आज। अभी मैं चला रहा हूँ विशाल भाई के मूमल, जो कि है हिमालयन, मेरे पीछे बैठा है हिरेश। और भाई देखो हमारी बगीरा पीछे से कितनी प्यारी लगती है भाई, मुझे ना लुक्स बगीरा के और आवाज़ इस मूमल की बहुत प्यारी लगती है, लिटरली बहुत प्यारी लगती है, दिल को छू जाती है भाई। अभी यहाँ से WTV बता रहा है 8.9 किलोमीटर। ओह भाई पुलिस वालों ने रोक दिया हमें यहाँ पे, मैं तो डर गया था भाई, यहाँ चालान कट गया एग्जॉस्ट की वजह से। भाई कोई नेता वेता जा रहे हैं पक्का से, इसलिए पूरा रोड साफ कर रहे हैं। हाँ हाँ भैया, YouTube चैनल है, क्या नाम से? बाइकर बॉय रॉय। बाइकर बॉय रॉय, यस। हाँ राजस्थान को रिप्रेजेंट करते, सेम एयर भाई, सेम एयर। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू भाई। तो बस कहीं भी रुको, ऐसे प्यार देते रहा करो। वो देखो हमारे बगीरा को लोग कैसे देख रहे हैं, कैसे निहार रहे हैं, यही तो प्यार है, यही तो जीवन है ब्रो। हमारी बगीरा के पास इतनी भीड़। तो भाई यहाँ पे ऐसा कुछ भाई, थोड़ा बहुत फास्ट फूड आ चुका है, यहाँ पे भी खाना खाते हैं, सब लोग स्नैप बनाते हैं और हम बनाते हैं व्लॉग। तो भाई अभी यहाँ से निकल रहे, खाना पीना हो चुका है, अभी यहाँ से जा रहे हैं हेलमेट पॉइंट। अभी आई डोंट नो, मेरा कैमरा नहीं चल रहा, तो अभी जितना भी शूट करूंगा फोन से शूट करूंगा, यहाँ से सीधे चलेंगे हम हेलमेट पॉइंट, एंड वी आर रेडी अगेन। तो भाई अभी जस्ट हेलमेट पॉइंट आए थे यार, यहाँ पे जो चीज लेने आए थे वो मिली नहीं, और जो मिले वो चाहिए नहीं, तो अभी यहाँ से वापस निकल रहे हैं। वैसे यार आपको बताऊं तो मैंने अपना हॉस्टल बुक कर लिया है भाई, फ्लैट में नहीं रुक रहे अब हम हॉस्टल में ही रुक रहे। जो चाहिए था वो मिला नहीं, बट भाई हेलमेट पॉइंट पे आए थे, जो मिली वो 7000 मांग रही थी, जो मिली वो 7000 मांग रही थी भाई। तो यहाँ से निकलते यार, और भी कुछ स्टोर ट्राई करते। अभी जस्ट हेलमेट पॉइंट के यहाँ से निकल रहे हैं यार, कुछ चीजें देखने आए थे भाई, कुछ चीजें अच्छी लगी, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी, बट ठीक है। ये जो स्टोर है बहुत बड़ा स्टोर है भाई, अगर आप आते हो तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। मैंने भी अपने यहाँ से कुछ चीजें परचेज कर रखी है अपने पास्ट में। अब यहाँ से निकलते हैं, अभी हम जा रहे हैं घूमते घुमाते करण मोटो मार्ट। अब जयपुर आए हैं तो हमारे सारे राइडिंग स्टोर चेक कर लेते हैं, जहाँ कुछ पसंद आया वहाँ से वो उठा लेंगे भाई। मैं परचेज करने नहीं आया हूँ, परचेज करने आए हैं हमारे विशाल भाई। फाइनली
फाइनली करण मोटो मार्ट पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं विशाल भाई को कुछ पसंद आता है कि नहीं आता। हम के 6:17 हो चुके एंड अभी यहाँ पे मोटा कासा खर्चा हुआ है भाई। ये देखो यहाँ पे लिए गए है टेरमैक। अब क्या क्या प्राइसिंग है सारी आपको बताएंगे। इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं, अभी नहीं बताने का है, ब्लॉग के एंड के लिए भी कुछ चीजें रखी है। पहले हम गए थे हेलमेट पॉइंट, वहाँ पे कुछ चीजें थी जो अच्छी थी बट हमें पसंद नहीं आई। हम हमारे विशाल भाई को बोला कि चलो करण मोटो मार्ट चलते हैं। तो भाई यहाँ पे आके कुछ चीज अच्छी लगी है तो वो सारी चीजें खरीद लिए। सॉरी हाँ यार भाई मेरी बात मानो तो एक्रा पाविच लगाओ जो डीबी कलर वाला है। अब होता क्या है ना, अब चाहे वो पैरेलल ट्विन हो चाहे कुछ भी हो, अगर पुलिस ने पकड़ा ठीक है तुम्हारा होता है डीबी टेस्ट, ठीक है डीबी मीटर में डीबी टेस्ट होता है। अगर उस पर हल्का सा वो तो ज़्यादा आना ही है एग्जॉस्ट लगाओगे तो ठीक है, तो डीबी टेस्ट ज़्यादा आएगा चालान कटेगा। इनमें क्या होता है एक या तो लॉन्ग केन होते हैं या शॉर्ट केन होते हैं। तुम समझ लो शॉर्ट केन में भट 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 आवाज़ आएगी और पर्सनली बता रहा हूँ तुम्हें ना स्टार्टिंग के एक दो दिन मज़ा आएगा क्योंकि मैं यूज़ कर चुका हूँ। एक दो दिन बहुत मज़ा आएगा, फिर जब तुम लेके घूमोगे ना आसपास वालों का भी माथा दुखेगा, घर वाले भी गालियाँ देंगे, तुम खुद को गालियाँ दोगे ये क्या लगा लिया, फिर बस वो दूसरों को भूलोगे कि यार ये तो बढ़िया है। तो बेस्ट रहेगा भाई वो, क्योंकि मैं भी वही आऊँगा वही लगाऊँगा अपनी बाइक में, मेरी बाइक पे लगेगा वो पूरे इंडिया में फर्स्ट ही लगेगा। तो भाई अभी शॉपिंग हो चुकी कंप्लीट, अब हम जा रहे हैं यहाँ से हमारे हॉस्टल। भाई जहाँ पे मैं हर बार रुकता हूँ द हॉस्टलर, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। और अभी आपको एक अपडेट देता हूँ, मैंने फाइनली भाई अभी अपने जोंटेस के एग्जॉस्ट के लिए बात करी है। अभी देखो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो सारी करेंगे। अभी यार भैया भी कह रहे थे अभी तक किसी ने भी जोंटेस में एग्जॉस्ट नहीं लगाया, तो अगर मैं एग्जॉस्ट लगाऊंगा तो भाई अपनी जो जोंटेस होगी वो होगी पूरे इंडिया की पहली जोंटेस जिसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ रहेगा। फिर मैं टाइटल थंबनेल डाल सकता हूँ कि फाइनली अपनी जोंटेस में एग्जॉस्ट लगा दिया और हमारी जोंटेस इंडिया की फर्स्ट जोंटेस है। जस्ट फाइनली वी हॉस्टल पहुंचे थे एंड देखो इसका वापस मूड खराब हो रहा है। राकेश भाई मूड क्यों खराब हो रहा है आप बताओ? बाथरूम जाना है। भाई इसका मूड तभी खराब होता है जब इसको वॉशरूम जाना होता है। लास्ट टाइम भी रो रुआ के कहाँ से लेकर आए थे इसको? नाहरगढ़ से। नाहरगढ़ से रात को 3 बजे नाहरगढ़ से लेकर आया इसको। गाइस बिहेव, हटो। तो भाई फाइनली भी हॉस्टल पहुंच चुके, यहाँ से थोड़ी देर फ्रेशन अप होंगे, फिर आज रात को भी गेड़ी वेड़ी मारेंगे भाई। बहुत कुछ प्लानिंग है, सारी चीज आपको बताएंगे बट पहले फ्रेशन अप हो जाते हैं। और ये देखो राकेश भाई आते छोड़ नहीं रहे हमें, बट थोड़ा सा समय दीजिए। तो भाई अभी हम फ्रेशन अप हो चुके हैं एंड हम लीव कर रहे हैं यहाँ से। थोड़ा बहुत अभी बाहर डिनर करने जाएंगे, फिर थोड़ा बहुत मन होगा तो घूमेंगे, उसके बाद भाई हॉस्टल में आके एडिटिंग भी करनी है क्योंकि अभी डेली व्लॉग्स बना रहे हैं। तो अभी रात को गेड़ी मारते हुए भाई कुछ खाने पीने जा रहे हैं, बहुत भूख लग रही है। दिन को हमने भाई पिज्ज़ा ये सब खाया था तो अभी अच्छा डिनर करने की इच्छा है, अभी कुछ भी फास्ट फूड खाने की इच्छा नहीं थी पहले तो। हाँ सर हेलमेट लगाया करो ये पीछे वाले को भी। श्योर सर। अरे उतारा क्यों था भाई तूने? कहाँ से आ रहे हो सर? अभी तो हम सांगानेर से आ रहे हैं सर। कहाँ जाओगे सर? अभी हम जाएंगे सिंधी कैंप। कहाँ से आ रहे हो सर? हम अभी अजमेर से आए थे आज सुबह, हम ट्रैवलर से। यस सर। तो वो दिन में पकड़ते नहीं क्या, आपका चालान नहीं करते क्या? सॉरी सर बिना हेलमेट चालान होता है यहाँ? श्योर सर। सर सॉरी सर। अच्छा सर गलती होगी सर, अभी पहनाता हूँ। इनके पास है भी नहीं, ये भी आपके साथ ही है क्या? सर ये तो अभी इधर ही फ्लैट में रहती है तो इनको ड्रॉप करना था सर। आई एम रियली सॉरी सर। घूमने आए हो? यस सर, हम ट्रैवलर से वीडियोस बनाते हैं। बनाओ बनाओ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर अप्रिशिएशन। श्योर सर अभी ले जाके लगा देंगे सर। श्योर सर थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो भाई अभी रात के 12:30 बजे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था भाई, अभी शायद तक आपको कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा बट भाई आपके भाई ने प्यार से बात करी, सॉरी बोल दिया। पुलिस वाले भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने आराम से बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो
भाई वेरी गुड मॉर्निंग। आज जयपुर का सेकंड डे, आज संडे भाई। सुबह के अभी ऑलमोस्ट 9:30 बज रहे होंगे एंड मैं चाय की मजे ले रहा हूँ भाई। लास्ट नाइट घूमते घूमते ऐसा सीन हो गया था कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। हरीश ने हेलमेट नहीं लगा रखा था तो भाई उन्होंने रोक लिया। वो तो अच्छा है, चलो उन्होंने बोल के छोड़ दिया कि हेलमेट पहना करो बेटा, तो हरीश को वापस हेलमेट पहना दिया था। आज ऐसा प्लान है कि थोड़ा बहुत जयपुर एक्सप्लोर करेंगे, रात को हो सकता है राइड करेंगे और कल वापस निकल जाएंगे। अभी सुबह सुबह चाय पी रहा हूँ, बहुत सही लग रहा है यार। एंड हमेशा की तरह यहाँ के जो एम्बियंस है वो बहुत प्यारा लगता है मुझे। तो अभी चाय को ख़त्म करते हैं।